हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिता भूषण, मेरे चैनल का स्वागत है। आज हम अपन बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, जो अपन बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स अपन। तो आइए हम उसके लिए सामग्री देख लेते हैं। 100 ग्राम मैंने सूजी लिया है, आधा कप मैंने दही ली है, स्वाद के अनुसार नमक लिया है, एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, एक मैंने शिमला मिर्च को काट लिया है इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में बारीक बारीक, और एक मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया मैंने ली है, ग्रेट कर ली है। थोड़ी सी अदरक मैंने आधी इंच के बराबर ली है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। एक हरी मिर्च है, उसको मैं काट लूँगी बाद में। बनाने के लिए मैंने तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल या किसी सरसों के तेल में बना सकते हैं। बटर बनाने के लिए मैंने पानी लिया है। चलिए सबसे पहले बटर बनाते हैं अपम के। अपम बटर बनाने के लिए मैंने एक बड़ी बाउल ली है। सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, सूजी, और अब हम इसमें डालेंगे दही, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक लिया है मैंने, उसे डाल दिया, और इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में सूजी को। तो देखिए दही मिक्स हो गया, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। दही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जियां हम डाल देंगे, डाल के मिक्स कर लेंगे। गाजर भी डाल देंगे। तो सूजी का बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप जब चाहें सूजी का अपम बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, नमक और जीरा डाल दिया है इसमें। अदरक डाल देंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। हरी मिर्च को हम काट लेंगे पहले। आप चाहें तो लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालनी है तो। और छोटे टुकड़े में हम डालेंगे। छोटे बच्चे ना खा सकें हरी मिर्च तो आप ना डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे सेट होने के लिए फ्रेंड्स, उसके बाद बनाएंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम बनाएंगे। तो 10 मिनट हमारा बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, फूल गया है। सूजी वैसे भी फूलता है फ्रेंड्स, तो पानी सूख गया है। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, ज़्यादा इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर को बिल्कुल गीला नहीं करना है बहुत ज़्यादा। और हमारी ट्रिक है, हम चाट मसाला डालेंगे एक चम्मच, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे एक चम्मच, लास्ट में डालना है। इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने से फ्रेंड्स थोड़ा सा हमारा अपम फूल के आएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये हमारा बैटर है, हमको इसी तरीके से बैटर चाहिए। हमारा सूजी बहुत अच्छे से फूल गया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैंने गैस ऑन कर दिया, अपम मेकर रख दिया है गैस के ऊपर। तो अब इसको गर्म होने देते हैं पहले। इसमें थोड़ा थोड़ा हम तेल डाल देंगे, बहुत थोड़ा तेल डालना है, दो दो बूंद डालना है इस तरीके से। बहुत कम तेल में हमारा अपम बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बनाना उतना ही आसान है, आप जब चाहें बनाकर अपम खा सकते हैं। बस एक एक चम्मच हम बैटर डालते जाएंगे। एक एक चम्मच ही डालना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसे ढक देंगे फ्रेंड्स, इसे कम आँच में 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पकाएंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एक साइड हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से तेल डालेंगे, सबके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे ऐसे। बहुत कम तेल डालना है, आधा चम्मच से भी कम डालना है, दो दो बूंद इस तरीके से डाल देंगे तेल। और अब इसको हम पलट देंगे इस तरीके से, एक साइड हम घुमा देंगे। बना है फ्रेंड्स इसी तरीके से, हम सभी पलट देते हैं। तो देखिए एक साइड कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसी तरीके से हम इसे पलट के दूसरी साइड भी सेक लेंगे वो गोल्डन ब्राउन होने तक। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे अंदर जाने के लिए, और इसको ढक देंगे। फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे एक साइड। तो देखिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों साइड हो गया है, तो बहुत अच्छा हुआ है। उसको पलट लेते हैं मीडियम आंच पे ही, जब भी बनाएं फ्रेंड्स अपम तो मीडियम आंच पे बनाएं।
और देखिए ढक दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पक के क्रिस्पी बन गया है। कितना अच्छा बना हमारा अप्पम देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम सभी अप्पम बना लेंगे। इसको निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सभी अप्पम बना लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं हमारा अप्पम बनके तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा अप्पम बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने सभी बना लिए हैं अप्पम फ्रेंड्स, निकाल देते हैं, प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अप्पम बना लिया है सभी, अब जल्दी सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सर्व कर लिया, हमारे अप्पम बनके तैयार हो गए, बहुत अच्छे बने हैं अप्पम। तो देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने तो खा लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बनाइए, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी लग रहे हैं फ्रेंड्स अप्पम। तो इसको मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है, हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें टमाटो सॉस खा सकते हैं, और मैंने चाय के साथ लिया है इसको। आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं इसे, छोटे बच्चों को टिफिन बॉक्स में बना कर दे सकते हैं सॉस के साथ, बच्चे बहुत पसंद करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।